हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कैसे एक केमिकल पील यूज़ करना चाहिए अपने स्किन में। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ करी डर्माको का 30% AHA प्लस 2% BHA फेस पीलिंग सॉल्यूशन, जो 599 का आता है। ये आपके स्किन को ग्लास स्किन इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, टैन रिमूव करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन लाइटन करता है। अगर आप यही यूज़ करते हैं तो आपको और कोई एक्सफोलिएटर की कोई ज़रूरत नहीं है। सो, बात करें इसे यूज़ करने का प्रोसीजर। सो गाइस, आपको इसे अपने फेस पे फॉर 5 to 10 मिनट्स लगाना है। डिपेंड्स, अगर आप पिगनर हैं तो आप इसे पहले तो 2 मिनट्स के लिए अपने स्किन में लगाएंगे, फिर आप देखेंगे कि आपकी स्किन में कोई रिएक्शन इचिंग तो नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके आप 3 मिनट्स तक जाए, फिर 4 मिनट्स करके मैक्स टू मैक्स, अगर आप बिगनर हैं तो 5 मिनट्स तक ही अपनी स्किन में रहने दें। और अगर आप पहले से यूज़ करते आए तो आप इजीली से इसे 10 मिनट्स रख के अपने फेस को पानी से वॉश करके कोई भी एक हाइड्रेटिंग सीरम, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्नेल पेप्टाइड हाइड्रेटिंग सीरम डर्माको का ही, उसे आप अपने टैन स्किन में लगाइए। या तो आप कोई भी मल्टीपेप्टाइड सीरम भी लगा सकते हैं अपने स्किन में। मैं यहाँ पे मिनिमलिस का मल्टीपेप्टाइड यूज़ करती हूँ। मेक श्योर टू यूज़ सनस्क्रीन द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड मेक श्योर आप ये फेस पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ करते तो उसे रात को ही यूज़ करें। गाइस, जो सनस्क्रीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है नेक्स्ट डे के लिए। आप कोई भी एक्टिव जैसे कि वाइटामिन सी, रेटिनॉल, ये सब नहीं यूज़ करेंगे। कोई भी एक्सफोलिएटर भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एक्सफोलिएटर यूज़ किया हुआ है तो आप सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब भी यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट 2 to 3 डेज आप सिर्फ अपनी स्किन में हाइड्रेशन वाली चीज़ें ही लगाइए। हाइलुरोनिक एसिड, मल्टीपेप्टाइड सीरम्स, पेप्टाइड सीरम, स्नेल म्यूसिन, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें ही लगाए अपने रूटीन में यूज़ कीजिए। फिर उसके बाद अपने एक्टिव यूज़ कर सकते हैं जैसे कि रेटिनॉल, विटामिन सी, डिपेंड्स आपकी स्किन रूटीन के हिसाब से। पर मेक श्योर कि ये कोई भी केमिकल पील यूज़ करने से पहले 2 दिन पहले और 2 दिन बाद यही रूटीन ही फॉलो करना है कि आपको कोई भी हाइड्रेटिंग सीरम्स ही अपने स्किन में लगाना है, फिर केमिकल पील यूज़ कीजिए। फिर इसके अगले 2 दिन भी हाइड्रेटिंग चीज़ें ही लगाए, फिर अपने एक्टिव्स यूज़ कीजिए। तो मेक श्योर अपना रूटीन एकदम ही सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका ही एक 15% बिगनर फ्रेंडली पीलिंग सॉल्यूशन भी आता है डर्माको का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी सेम ही प्रोसीजर होगा, पहले 2 मिनट्स के लिए अपने फेस पर लगाइए। अगर आपको कुछ इरीटेशन, कुछ रेडनेस, कुछ अजीब सा लग रहा है तो मुँह तुरंत धो दीजिएगा। और अगर आपको नहीं होता है तो एक मिनट ही बढ़ा के अपना स्किन चेक कीजिएगा। 3 मिनट्स, फिर 4 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स के बाद अपना फेस वॉश कर, मतलब मुंह धो लेना चाहिए आपको अगर आप बिगनर हैं तो, पहले बार लगा रहे हैं तो। और आप इसे पहले से ही यूज़ करते आए तो यू नो द रूटीन, यू कैन कीप इट फॉर 10 मिनट्स एंड देन वॉश योर फेस। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।